Hello everyone, so this is the final result of my snake drawing which I have done with color pencils. तो background के लिए मैंने यहाँ पे permanent marker pen use किया है तीन चार बार, कभी horizontal कभी vertical. So as you all can see, lining part मैंने पहले ही complete कर लिया है. तो अभी color pencil का काम start करते हुए starting मैंने इसके face से की है because that is more complicated part as compared to its body part. तो चलिए इतने time lapse के बीच में क्यों ना एक slow-mo हो जाए. तो यहाँ मैं शार्प कर रही हूँ ग्लास मार्कर पेंसिल को, कहीं कहीं इसका भी यूज़ होगा जहाँ पे हम लोग को ज़रूरत हो. तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लाइट शेड से डार्क शेड्स तक जा रही हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेन कलर ब्लू है, सो आई एम ऑलवेज स्टार्टिंग विद द लाइटर शेड ऑफ ब्लू एंड स्लोली स्लोली एज पर द रेफरेंस पिक आई एम यूजिंग द कलर्स. एंड बीच बीच में ये सब मस्ती भी चलती रहनी चाहिए. इस वाइपर स्नेक की अब हम फॉर्क टर्न बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने फिर से उसको फिनिशिंग देना स्टार्ट कर दिया है. तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने वाइट जेल पेन भी यूज़ करना स्टार्ट किया, बट उससे उतना अच्छा टच नहीं आ रहा था, तो मैंने वापस परमानेंट मार्कर पेन यूज़ करते हुए इसको फिनिश करके वापस बॉडी पार्ट में कलर करना स्टार्ट कर दी हूँ. तो कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए जैसे कि आप सब जानते हैं ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है. तो इसमें भी जो पीछे वाला पार्ट है वो थोड़ा डार्क शेड्स है, लाइक हेयर आई एम यूजिंग ग्रीन, डार्क ग्रीन एंड ब्लैक. वाइपर स्नेक के इस पार्ट को बनाने के लिए मैं तीन कलर्स यूज़ किए हैं, स्काई, स्किन कलर एंड देन ग्रीन, ताकि वो वैसा टेक्स्चर दे पाएँ. इग्नोर दिस पार्ट, यहाँ पे मैं थोड़ा लाइटिंग चेक कर रही थी, मैंने सोचा ये भी डाल दूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं वाइट मार्कर पेन यूज़ कर रही थी जहाँ जहाँ पे मेरे को थोड़ा लाइट शेड चाहिए, देन अगेन ब्लैक यूज़ कर रही हूँ. तो देखिए थोड़ा कितना अच्छा रियलिस्टिक इफेक्ट आ रहा है डार्क से लाइट में. आई होप यू गाइज आर इन्जॉइंग द म्यूज़िक ऑल्सो मेरे ड्राॅइंग के साथ. तो यहाँ पर मैंने टॉम्बो इरेजर का भी यूज़ किया है. तो अब तक जितना भी मैंने ड्रॉ किया है आप देख सकते हैं अब तक ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा वाइपर स्नेक. थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ. सो लेट्स कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट. तो आप देख सकते हैं इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए हमको एक मास्किंग टेप की ज़रूरत है. नॉर्मल टेप की नहीं, मास्किंग टेप के साथ हम ये सीजर्स यूज़ कर रहे हैं. तो इसको हम एकदम ध्यान से लगाएंगे. तो
तो अब यहाँ पे लगाने के लिए टेप थोड़ी सी फट गई, बट उसको हम वेस्ट ना करते हुए उसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि यह मेन मोटिव है कि वो टेप सीधी लगनी चाहिए। बस साइड से थोड़ा काट देंगे ताकि वो इधर उधर ना हो। अब बाद में हम इसको जब खोलेंगे तो वो बहुत ही एक्यूरेटली निकलेगी, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं नीचे वाला पार्ट बनाना। तो गाइस, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आशा करती हूँ आपको ज़रूर ये सब पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। यहाँ से मैंने थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, अदरवाइज़ इसमें भी बहुत टाइम लगा था। तो आप देख सकते हैं बीच बीच में मैंने परमानेंट मार्कर पेन भी यूज़ किया है यहाँ पे। एंड गाइस, मैं आर्ट्स यूट्यूब या कहीं से भी सीखी नहीं हूँ, तो अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा। एंड आप अपने रिव्यूज़ कि आपको ये आर्ट और ये वीडियो पूरा कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर पढ़ूँगी। तो अभी मेरा आर्ट कंप्लीट हो गया है, टेप पील ऑफ कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताई थी कितना एक्यूरेटली ये निकल रहा है फिनिशिंग के साथ। सो इन टोटल इस आर्ट को कंप्लीट करने में मुझे 17 आवर्स लग गए, 17 घंटे में ये आर्ट कंप्लीट हुआ है और ये देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। आप अपने रिव्यू ज़रूर बताइएगा याद से कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर हम अपना सिग्नेचर देते हुए इस आर्ट को ख़त्म करते हैं। टेंटन सी गाइज, ये है फाइनल रिजल्ट। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आप चाहे तो और अमेजिंग आर्टवर्क्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।